हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको हमारे इस उपासना फैशन चैनल में। फ्रेंड्स, आज मैं आपको झटपट तैयार होने वाले गाजर का हलवा बनाना सिखाऊंगी। वैसे तो गाजर का हलवा बनाने का डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग प्रोसेस है, लेकिन आज मैं इसे झटपट कैसे तैयार करें वो मैं बताऊंगी। इससे पहले, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें। और अब देखिए मैंने क्या क्या इंग्रेडिएंट लिया है इसके लिए। ये मैंने आधा किलो गाजर लेके इसको कद्दूकस कर लिया है, और 200 ग्राम दूध लिया है, चीनी लिया है, ये ग्रेटेड कोकोनट पाउडर है, किशमिश एंड कुछ ड्राई फ्रूट्स। तो चलिए मैं अब ड्राई फ्रूट्स को पहले रोस्ट कर लूँगी, और देखिए अब कैसे मैं बनाती हूँ। गैस को ऑन करके मैंने इसमें थोड़ा सा घी डाला है, जिसमें मैं ड्राई फ्रूट को हल्का रोस्ट कर लूँगी। ये देखिए मैंने ड्राई फ्रूट को रोस्ट कर लिया, इसको फिर मैं निकाल लूंगी। इसी पैन में मैं दूध को बॉयल होने के लिए डाल देती हूँ। ये देखिए दूध हमारा बॉयल हो रहा है, बॉयल होना स्टार्ट हो गया है। अब इसमें मैं थोड़ा सा इलायची पाउडर डाल दूंगी। इलायची पाउडर डाल के मैं ये गाजर इसमें डाल देती हूँ। ये देखिए मैंने गाजर को इसमें डाल दिया, और ये गाजर डालने के बाद दूध फिर से मेरा बॉयल होने लगा। अब मैं इसे सीम करके 2 मिनट के लिए ये ढक्कन से ढक दूंगी, ताकि गाजर अच्छे से दूध में पक जाएगा। 2 मिनट तक वेट करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरा 2 मिनट्स हो गया है, बट इसमें दूध थोड़ा ज़्यादा अभी बचा हुआ है, इसलिए मेरे को मिल्क दूध को और थोड़ा सुखाना है, तो मैं और सुखा लेती हूँ और ये ढक के ही सुखाती हूँ, ताकि गाजर और भी पक जाए अच्छे से। ये देखिए हमारा दूध सूख गया है। अब मैं इसे पूरा नहीं सुखाऊंगी, हल्का हल्का ऐसे गीला गीला रखूंगी। अब मैं इसमें कोकोनट पाउडर और शुगर डालूंगी। ये मैंने कोकोनट पाउडर डाल दिया। शुगर अपने हिसाब से डालूंगी, क्योंकि ये गाजर, लाल वाली गाजर मैंने ली है, जो कि मीठी रहती है, और ये सर्दी के मौसम में लाल लाल गाजर मिलना स्टार्ट हो जाता है, वही गाजर मैं ली हूँ। ये अपने आप में थोड़ा मीठा होता है, इसलिए मैंने चीनी अपने हिसाब से थोड़ा कम मीठा, थोड़ा कम चीनी डाली हूँ। ये देखिए मैंने झटपट ये गाजर का हलवा, इसे गाजर का हलवा कहे, गाजर का खीर कहे, गाजर का हलवा थोड़ा सूखा सब लोग बनाते हैं, लेकिन मैं आज पूरा नहीं सुखाई, इसको खीर के जैसा मैं रखी। बहुत ही हेल्दी है, अपने बच्चों के लिए बनाइए, बच्चों को पसंद आएगा, गाजर खिलाना चाहिए, गाजर बहुत ही हेल्दी होता है। अब मैं इसे देखिए ये बन के तैयार है। ये देखिए मैंने इसे अलग कटोरी में निकाल लिया। अब मैं इसे ड्राई फ्रूट से ये कर दूंगी, इसे ऊपर से ड्राई फ्रूट ऐसे मिला दूंगी। ये देखिए फ्रेंड, तो इसे गाजर का हलवा कहे, गाजर का खीर कहे, या गाजर का गजरेला कहे, जो भी आप बोल सकते हैं, वो मैंने झटपट तैयार कर दिया।
मेरी ये रेसिपी आप जरूर ट्राई करें, टेस्ट करें, और कैसा लगा वो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें। मेरे वीडियो को लाइक करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू।